तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। अभी 6 तारीख है, 6 सितंबर 2023, लेकिन ये वीडियो कल अपलोड होगा, यानी कि 7 सितंबर 2023 मॉर्निंग में, क्योंकि अभी नाइट का टाइम हो रहा है। काफ़ी एक्टिविटी रही आज की सुबह, मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो भी कल की थी, यानी कि 5 सितंबर जो मैं गया था पूना, वहाँ की वो वीडियो थी। उसके बाद आने के बाद फिर यहाँ पे एक मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, मुझे खुद याद नहीं था, उनकी टिकट बुकिंग थी, फिर वो आए हुए थे, तो जब मैं पूना में था तो फिर उनसे मेरी बात हुई। मतलब मैं ट्रेन में ही था तब उनको बोल दिया था कि मैं रात में तो नहीं मिल पाऊँगा, मॉर्निंग में कोशिश करेंगे, यानी आज 6 तारीख को। फिर उनसे भी मिलके उनके बहुत सारे सिक्के मैंने लिए, फिर उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। सोचा था कि इसमें मैं वो वीडियो डालूंगा, लेकिन वो अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा, बिकॉज इसमें ही काफ़ी टाइम हो जाएगा। ये सिर्फ सेलिंग पर्पज़ का वीडियो रहेगा हमारा। और आज 3 लोगों का पार्सल भेजा हूँ बाय पोस्ट, ठीक है। उनको मैंने रिसिप्ट अभी तक नहीं भेजी है, लेकिन भेज दूंगा। और जिन लोगों का नहीं गया है, उन लोगों का कल मैं भेजने वाला हूँ, कल मॉर्निंग में, ठीक है। और मेंबरशिप वाले जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, थोड़ा सा मेरी बुक वापस से मैं प्रिंट करके मंगवाया हूँ, तो हो सकता है कल या परसों में मुझे मिल जाएगी, तो उसके साथ आप लोगों के पार्सल मैं भेज दूंगा मेरी बुक के साथ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो में काफ़ी सारे कॉइन्स है, एक्सट्रीमली रेयर, रेयर स्कार, वेरी स्कार कॉइन्स, सारे ऐसे कॉइन्स बताऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे। बिकॉज अब तक भी जिन लोगों ने शुरू से मेरे से कॉइन्स बाय किए हुए हैं, उन लोगों को पता है कि उनके कॉइन्स की प्राइस कहाँ तक बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो 5 रुपीज़ के फैट लाइन डाई वराइटी वाले कॉइन है, इसके ऊपर फिर से कहूँगा, काफ़ी लोगों ने फिर से मुझे बोला हुआ है, तो बताना ये है कि ये मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने एक पाउच खोल दिया था, जो मेरे लिए मैंने 100 कॉइन का रखा था, वो अभी मेरे पास उसमें से 60-70 कॉइन्स है, ठीक है। और मैंने दूसरा पाउच मेरे लिए मंगवा लिया है, तो अगर किसी को चाहिए तो ये मैं 5 कॉइन देता हूँ, बेस्ट कंडीशन, BU कंडीशन के होते हैं ये, 1500 रुपीज़ में, ठीक है, विथ शिपिंग। तो जिस किसी को भी लेना है इन्वेस्टमेंट पर्पस, आने वाले टाइम में आप लोगों को 3 से 5 साल का टारगेट लेके चलना है, तो ही आपको बेनिफिट देखने के लिए अच्छा मिलेगा, ठीक है। घाई गड़बड़ में कभी कभी कोई कोई कॉइन में प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन एक टारगेट अगर आप 3 साल 5 साल का लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये 5 रुपीज़ के जो मैंने बताए, ये एक बस अपडेट थी इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स पे जाऊँगा। ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में भी रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स आपको देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेलिंग में ना जाते हुए डायरेक्टली मैं प्राइसिंग वगैरह बता दूंगा। ये 1909 का आप देख सकते हैं 1 क्वार्टर आना, फिर से आए हुए है। ये मेरे पास 2 पीस है, ये वाला आप देख लीजिए, ये रेयर होता है, ठीक है। ये इस कंडीशन में आपको 7000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, 7000 रुपीज़, ठीक है। और एक और कॉइन है सेम 1909 1 क्वार्टर आना, देख सकते हैं आप, ये इस कंडीशन में आपको 10000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। इसकी बुक में प्राइस की बात करूं तो UNC में 20000 दी है, लेकिन UNC में बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकता है ये कॉइन। तो फिलहाल ये 2 कॉइन है मेरे पास, इसमें दोनों को अगर आप बुक करेंगे तो डायरेक्टली मैं आपको ये 15000 रुपीज़ में दोनों कॉइन एक साथ दे दूंगा आपको, 15000 में ये रेयर कॉइन 1 क्वार्टर आना के 1909 वाले, ठीक है। एक और है 1 क्वार्टर आना 1911, ये भी रेयर माना जाता है, ठीक है। इसकी बुक में प्राइस दी हुई है लगभग UNC कंडीशन में 6 या 7000 रुपया। तो ये जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए, इस कंडीशन में आपको ये रेयर कॉइन 3500 रुपये में मिलने जा रहा है, ठीक है। अच्छा है, मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को पता ही है ब्रिटिश इंडिया के रेट्स अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसे ही एक रेयरेस्ट कॉइन 1835 का बिग रिबन बोला जाता है इसको, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये रिबन जो होता है ये बिग होता है, बड़ा रिबन, तो ये एक्सट्रीमली रेयर होता है। 1835 का ये 1 क्वार्टर आना है, ठीक है। और बैक साइड में देखेंगे आप तो डाई उल्टी नजर आएगी आपको, लेकिन ये वैसे ही छपते थे, ये उसकी पहचान है, ये कॉइन की ओरिजिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1835 आपको दिखेगा। तो ये कॉइन की बात करें तो प्राइसिंग इसकी है 12,500 रुपीज़ इस कंडीशन में।
ये अगर यूएनसी में मिल जाए तो समझ लीजिए 30,000 तक 40,000 तक इसकी प्राइस जा सकती है। तो फिलहाल एक कॉइन आया है मेरे पास 12,500 रुपये इसकी मैं प्राइस आप लोगों को कोट कर रहा हूँ। तो ये हुए हमारे ब्रिटिश इंडिया के रेयर से रेयरेस्ट कॉइन। अब हमारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे आते हैं। इसमें जिसको भी बुक करवाना है याद रखिए 3 से 5 साल का टारगेट लेंगे तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। आप सोचोगे 6 महीने में 1 साल में पैसा बहुत अच्छा मिल जाए रिटर्न्स, तो कभी कभी ऐसा होगा, हर बार नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में जो दिखाने जा रहा हूँ वो है 1969 के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बने हुए ये कॉइन हैदराबाद मिंट के। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टार नज़र आएगा 1969 के नीचे। ठीक है, तो ये हैदराबाद मिंट के 3 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास। कंडीशन देख लीजिए आप वीडियो में, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के ये 3 कॉइन है। ये वेरी स्कार श्रेणी में है समझ लीजिए आप। ठीक है, एक कॉइन की प्राइस की बात करूँ तो ये 400 रुपीज़ में एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, इस पर लस्टर भी है, वन साइड काफ़ी अच्छा लस्टर है, वन साइड थोड़ा कम लस्टर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के तीनों कॉइन है। तो 400-400 में आपको ये एक कॉइन मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं और वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इतनी क्वांटिटी में अब तक मेरे हिसाब से किसी के पास आया नहीं होगा ये कॉइन्स। मेरे पास फर्स्ट टाइम इतनी क्वांटिटी में नहीं, तो हमेशा एक एक दो दो कॉइन ही आते हैं, वो भी बहुत कम। बहुत लोगों के कॉइन्स में से एक आध कॉइन किसी के पास आ जाता है तो वो मिलता है। मेरे खुद कलेक्शन में एक या दो ही कॉइन ये अवेलेबल है। अब मैं इसमें से भी 2-3 मेरे कलेक्शन में ऐड करने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो मैं 5-6 दिखा रहा हूँ, मेरे पास लगभग 10 कॉइन आए हुए हैं। तो ये होता ये है कि 2007 का आप ये कॉइन देखेंगे 1 रुपये का, और इसके अंदर एक वैरायटी आती है, थंब लाइन वैरायटी जिसको बोलते हैं। ये डाई जो है ना, इसकी डाई में ये होता है कि ये जो थंब बना हुआ है उसकी लाइन आपको नज़र आएगी और नेल भी नज़र आएगा, यानी नाखून भी नज़र आएगा। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए लाइन भी नज़र आ रही है और साथ में आपको नेल भी नज़र आ रहा है। तो इसको बोला जाता है थंब लाइन डाई वैरायटी। और ये 2007 में, याद रखिए, हैदराबाद से वेरी स्कार श्रेणी है। मैं कहूँगा ये रेयर में भी जा चुका है, यूएनसी कंडीशन में तो ये रेयर है। अच्छा, ये जो कॉइन्स है यूएनसी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन्स है। इसमें कुछ कुछ थोड़े से ऑलमोस्ट यूएनसी पे भी है, लेकिन मैं सबको एक्स्ट्रा फाइन प्लस ही कहूँगा। तो लगभग आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कॉइन अवेलेबल है, और एक कॉइन की प्राइस आपको होने जा रही है 600 रुपीज़। और ये वाला देखिए, इसमें थोड़ी सी कम कंडीशन है, इस वजह से इसको मैंने 500 लिखा है। बाकी ज़्यादातर सबके 600 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और अगर ये यूएनसी में हो तो समझ लेना लगभग 1,000 रुपया या उससे ज़्यादा भी इसका हो सकता है प्राइस। तो काफ़ी अच्छे कॉइन है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप लेके रख सकते हैं। जितने भी बुक कराने हैं मैं कहूँगा 1 पर्सन जैसे 2-3 अगर ले सकता है तो लेके रख लीजिए, आपको आगे ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट करवा के देंगे ये कॉइन्स। तो चलिए कुछ मैं साइट भी दिखाता हूँ जो स्कार वेरी स्कार श्रेणी के छोटे इन्वेस्टर्स लोगों के लिए काम आते हैं, या फिर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट सारा यूएनसी में करने के बजाय आप एक्स्ट्रा फाइन प्लस में इस टाइप के 4-4, 5-5 कॉइन या 3-3 कॉइन के सेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हैदराबाद 1984, आपको पता है BUNC में एक कॉइन 550 में मैंने सेल किया है। ये 4 कॉइन का सेट है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के ये कॉइन्स है। चारों कॉइन का आपको देना है 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़ में ये 4 कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं, यानी 250 रुपये में आपको ये एक कॉइन मिलेगा। तो ये 4 कॉइन का सेट आप ले सकते हैं 1984 हैदराबाद मिंट। अब देखिए 2004 का 2 रुपया, ये भी हैदराबाद मिंट का है और ये भी कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी में है। अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन आप बोल सकते हैं। इस कंडीशन में ये 3-3 कॉइन का सेट आप देख रहे हैं और प्राइस आपने देख ली है, इस पर 500 रुपया इसकी प्राइस है, यानी 3 कॉइन का आपको 500 रुपीज़ देना है। इसमें लस्टर वाले कॉइन भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा फाइन में बोल रहा हूँ, तो कम कंडीशन है, अच्छी कंडीशन के इसमें कॉइन आपको देखने मिलेंगे। तो ये 500 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है।
2004 का हैदराबाद मिंट के 3 कॉइन का ये सेट, ठीक है। इसी में मेरे पास BU कंडीशन के कॉइन आए हुए हैं, जो काफ़ी लोगों की डिमांड रही है, काफ़ी लोगों ने कहा था, तो मैं थोड़ा सा प्राइजिंग को लेके देख रहा था, जितना हो सके कम से कम प्राइस में मेरे पास आए तो मैं आप लोगों को भी कम से कम प्राइस में ही दे सकूं। अभी फ़िलहाल मेरे पास आ चुके हैं BUNC कंडीशन में सेम 2004 हैदराबाद मिंट के कॉइन, ठीक है। ये मार्केट में सेल हो रहे हैं 500 के ऊपर, ठीक है, 550 तक भी ये सेल हो रहे हैं, ऑनलाइन में भी और शायद यूट्यूब पर भी लोग इसको सेल कर रहे हैं। लगभग 550 रुपये में ये BU कंडीशन के कॉइन लोग सेल कर रहे हैं। आपको लेना है विथ लस्टर, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कंडीशन है, BUNC आप बोल सकते हैं इसको। तो ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 450 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। चाहे आप एक लेंगे चाहे आप पांच लेंगे, आपको 450 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन मिलेगा। और सिर्फ कोई एक ही कॉइन बाय करेगा तो याद रखिए आपको 50 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस लगेंगे शिपिंग के, ठीक है। 2500 रुपये के जो भी मेरे बुकिंग आप करवाते हैं उस पर आपको 2500 के अंदर जितना भी बुकिंग होता है उस पर 50 रुपीज़ देना पड़ता है, लेकिन 2500 के ऊपर का अगर कोई भी बुकिंग है आपका तो उस पर शिपिंग फ्री हो जाती है। या किसी किसी में मैं बोल देता हूँ कि कोई 1000-1200 की चीज़ है तो उसमें शिपिंग फ्री है, तो वो फिर आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो ये बोलना ज़रूरी है, नए लोगों को नहीं पता होता है, इसके लिए ये बार बार बताना ज़रूरी है। तो और एक सेट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, सेंट थेलू और तमिल कॉन्फ्रेंस वाले ये कॉइन देख सकते हैं आप। ये सिंगल मिंट कॉइन है, मुंबई मिंट के बने हुए 2 रुपीज़ के, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये 3-3 कॉइन आप देख सकते हैं। और 3 कॉइन ये आपको मिलने जा रहे 800 रुपीज़ में, यानी देख सकते हैं आप लगभग 275 से भी कम में आपको एक कॉइन मिलने जा रहा है, और बहुत अच्छी कंडीशन है, ठीक है। आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ऊपर भी कंडीशन के, इसमें 3 में से 1 आपको AUNC भी देखने मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन आप समझ लीजिए। कम रेट में मेरे पास आया था, इसके लिए मैं आप लोगों को भी कम रेट में ही दे रहा हूँ, यानी ये एक सेट आपको सिर्फ 800 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज 3 से 5 साल का टारगेट लेके चलिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये कुछ मैंने सेट टाइप के भी आपको कॉइन दिखाए, और वेरी स्कार श्रेणी में एक कॉइन और अवेलेबल है, सेलिंग के लिए आया हुआ है, मुंबई मिंट का के कामराज वाला, देख सकते हैं आप। प्राइसिंग की बात करें तो ये UNC में 1300 रुपये तक सेल हो रहा है, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन है 1000 रुपये में। जिस किसी को लेना है आप मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट किसी का नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। और रेयर कॉइन की अगर बात करूँ तो मेरे पास 4 कॉइन FSS के ही 1993 के हैदराबाद मिंट के आप देख सकते हैं। 1993 के नीचे आपको स्टार साफ साफ नज़र आएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अब रेयर हो चुके हैं, हज़ारों 50 पैसे के सिक्के आप चेक करोगे ना उसमें आपको शायद एकाध ये सिक्का मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अब ये दुर्लभ हैं, यानी कि रेयर हो चुके हैं, इतना समझ लीजिए। प्राइसिंग की बात करें तो सबकी कंडीशन के हिसाब से प्राइस है, ये 1800, ये भी 1800, अच्छा इसमें एक एरर वाला है वो आपको बताऊंगा मैं, और ये 1500, और इसमें एक में जो है ना डाई रोटेशन एरर है 11 o'clock का, यानी कि आप देख सकते हैं अगर बैक साइड इसको मैं घुमाऊँ फ्लिप करूँ तो अशोक स्तंभ आपको 11 o'clock की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये एरर होने की वजह से 2500 रुपये इसका ऑफ़र किया जा रहा है, जिस किसी को लेना है आप बुक करा सकते हैं, या फिर मैं हो सकता है अपने कलेक्शन में इसको ऐड कर लूँ। तो ये काफ़ी अच्छे कॉइन है, और रेट भी मैंने आपको काफ़ी अच्छा ही दिया है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के ये कॉइन्स है, ठीक है, FSS में बने हुए 1993 के रेयर कॉइन है अब ये, ठीक है। ये एक एरर वाला है, जिसको बुक कराना है एरर में, जिसको समझ में आता है एरर पे एक स्पेशल वीडियो आएगा मेरा। तो महाराणा प्रताप जी के ये कॉइन UNC कंडीशन भी है इसमें, और थोड़ी सी वीक कंडीशन में भी है, यानी एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके UNC कंडीशन के लगभग 4 कॉइन है। ये पहला वाला जो आप देख रहे हैं ये UNC कंडीशन में है,
मुंबई मिंट से रेयर हो चुके हैं ये कॉइन। प्राइस की बात करें तो आपको 1200 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहा है, ठीक है। और जो तीन कॉइन अभी आप देख रहे हैं, एक दो और ये तीन, इनकी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस बोल सकते हैं आप। ये एक कॉइन आपको 800 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, 800 रुपये में, ठीक है। रेयर हो चुके हैं, आम चलन में अब मिल नहीं रहे हैं ये सारे कॉइन। बहुत सारे चिल्लर में एकाध कभी किसी को मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज ऐसे ये सारे कॉइन्स खरीदने ही पड़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत जल्दी ये रेयर और एक्सट्रीमली रेयर होते हुए नज़र आएंगे आपको 2 से 3 साल में, ठीक है। तो चलिए, और भी बहुत कॉइन है, हाई डिमांडिंग कॉइन्स जो अभी रहते हैं, दिखाना है मुझे। एक रेयर कॉइन आया हुआ है फिर से, मैंने पहले भी इसको सेल किया था, एक कॉइन या दो कॉइन मेरे कलेक्शन में भी है ये, और आप देख सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे, नो मिंट मार्क वाला ये कॉइन, यानी 2002 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश जी का ये कॉइन सन 2002 में बना हुआ ये है, मुंबई मिंट का ही, लेकिन किसी किसी डाई में मुंबई मिंट के तरफ से ये सिक्के विदाउट मिंट छपे हुए हैं, तो ये इस वजह से काफ़ी दुर्लभ हैं। अगर आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नज़र आता है, चाहे हैदराबाद हो चाहे डायमंड हो, तो वो रेयर नहीं होंगे, लेकिन जो मिंट मार्क नहीं होगा वही वाला रेयर होता है। हालांकि ये कलकत्ता से नहीं बने, मुंबई से ही बने, लेकिन इसमें डायमंड आपको नज़र नहीं आएगा, विदाउट मिंट के ये कॉइन आपको दिखेंगे विदाउट मिंट मार्क के, ठीक है। तो ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन 2500 रुपये में, 2500 रुपीज़। कंडीशन आप देख लीजिए, जो भी है आप लोगों के सामने है, अच्छी कंडीशन का कॉइन है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन समझ लीजिए। 2500 रुपये में एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। दो तीन लोगों ने बोल के रखा है, लेकिन मैं कहूँगा मैसेज करिएगा, ठीक है, मैसेज जिसका पहले आएगा उसी की मैं बुकिंग करूँगा। अब एक और रेयर कॉइन दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, 1982 नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे बना हुआ, ये भी कलकत्ता मिंट का कॉइन है। ईयर के नीचे आपको मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा, हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे डॉट है, हालांकि नोएडा मिंट आप लोगों को पता है 1988 के बाद नोएडा मिंट से कॉइन बने हैं। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा मिंट के तरफ से ही ये टाइप का एक्स्ट्रा मेटल टाइप के एरर्स आपको कॉइन में जगह जगह दिखने मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से मैंने चेक किया हुआ है, लेकिन वीडियो में फिर भी आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, ये कलकत्ता मिंट का ही कॉइन है और ये रेयर कॉइन है, जिस किसी को भी बाय करना है ये 2100 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 2100 रुपया, ठीक है। अगर आपको लगे तो ही आप बाय करें, लेने के बाद ये ना बोलिएगा कि इसमें कुछ मिंट मार्क नज़र आ रहा है, आप चाहें तो अच्छे से फिर से देख लीजिए, ये मिंट मार्क नहीं है, ये डाई के तरफ से इसमें क्रैक जैसा हुआ है और कहीं पे एक्स्ट्रा मेटल आया है, ठीक है। नोएडा होता तो 1988 के बाद से ये नोएडा होता, ये डॉट जैसा लग रहा है, लेकिन डॉट वो एक्स्ट्रा मेटल वाला डॉट है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, काफ़ी रेयर है, इजी मिलता नहीं है, जिस किसी को बाय करना है 2100 रुपीज़ में ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है। एक और कॉइन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, लगभग एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन का ये कॉइन है, कम प्राइस में आया है तो आप लोगों को भी कम प्राइस में ही मिलने जा रहा है। जिस किसी को बुक कराना है 1500 रुपीज़ में ये एक कॉइन आपको मिल सकता है, 1500 रुपये में, ठीक है। अच्छा कॉइन है, हाई डिमांडिंग कॉइन है, सबको पता ही है, काफ़ी लोग मुझसे मांगते रहते हैं, इसकी UNC में भी काफ़ी लोगों ने मुझे बोल के रखा हुआ है, लेकिन प्राइजिंग बहुत ऊपर गई है UNC में। तो ये कुछ कॉइन अभी आप देख रहे हैं जो रेयर कॉइन्स है, ठीक है। ऐसे ही एक रेयर कॉइन हाई डिमांडिंग जेम UNC कंडीशन में आया हुआ है, कलकत्ता मिंट का, देख सकते हैं आप जेम UNC कंडीशन, काफ़ी बेहतरीन लस्टर है इसमें, कोलकाता मिंट से हाई डिमांडिंग कॉइन है, लगभग ये 3500 तक सेल हो रहा है, और हमारे पास ये कॉइन आपको मिलेगा 3200 रुपीज़ में, ठीक है, 3200 रुपये में ये आपको कॉइन मिलने जा रहा है। जेम UNC कंडीशन है, लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं, तो अच्छी प्राइसिंग है, आने वाले टाइम में ये समझ लीजिए 2 से 3 साल में ये 5000 के ऊपर ही ये कॉइन सेल होने वाला है इस कंडीशन में। तो ये कुछ कॉइन, और दो कॉइन और रहते हैं जो रेयर में मुझे आप लोगों को दिखाने हैं, जो 2004 के हैदराबाद मिंट के ये कॉइन है,
दोनों की अलग अलग कंडीशन है, दोनों की अलग अलग प्राइसिंग है। और हज़ारों सिक्कों में 2-4-5 हज़ार सिक्के अगर 2 हज़ार के आप चेक करोगे तो भी शायद ये सिक्का मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये रेयर तो है, मेरे हिसाब से ये एक्सट्रीमली रेयर अब हो जाएगा, खास करके इस कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन में ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, यूएनसी में तो बहुत कम रहते हैं, इस कंडीशन में भी ये कॉइन्स आसानी से नहीं मिलते हैं। तो जो भी कंडीशन आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है। और ये 2004 का हैदराबाद मिंट का 5 रुपया आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में। ठीक है, एक और कॉइन है 2004 का हैदराबाद मिंट का ही, अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आप बोल सकते हैं। इस कंडीशन में ये आपको मिलने जा रहा है 1600 रुपीज़ में, 1600 रुपये में। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे कॉइन है, अच्छी कंडीशन में है और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो काफ़ी बेहतरीन ये कॉइन मेरे हिसाब से है। तो चलिए कुछ अब आपको सेट भी दिखाता हूँ, इस टाइप का सेलिंग पर्पस के लिए आया हुआ है ये सेट। इसमें आप देख सकते हैं 4 कॉइन इंदिरा गांधी के 5 रुपीज़ वाले हैं जो हैदराबाद मिंट के हैं, ये देख सकते हैं आप, स्टार बना हुआ है सबके नीचे। और 2 कॉइन इसमें समझ लीजिए यूएनसी है और 2 कॉइन एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के। इसके अलावा वेरी स्कार श्रेणी के 1990 के हैदराबाद मिंट के भी आप देख सकते हैं 8 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 और ये 4, ये 12 कॉइन आपको पूरा एक साथ ये सेट आपको मिलने जा रहा है 2800 रुपीज़ में, 2800 रुपये में ये आपको 12 कॉइन्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से वेरी स्कार श्रेणी के 8 है और हैदराबाद मिंट के इंदिरा गांधी वाले 4 कॉइन है। तो अगर आप लेके रखते हैं और इसको होल्डर्स में अच्छे से स्लीव्स वगैरह लगा के अगर आप इसको स्टोर करके रखते हैं तो देखिएगा आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स देखने मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं कुछ FSS में ही कॉइन दिखाऊंगा। पहले ये कॉइन थोड़े से मैं इधर से हटा देता हूँ ताकि वो दूसरे कॉइन्स भी रख के आपको दिखा दूँ। तो ये FSS के, इसमें स्कार श्रेणी और कलेक्टेबल कॉइन जेम यूएनसी कंडीशन के आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में ही ज़्यादातर मैं इसको बाय सेल करता हूँ या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन तक मैं इसको बाय सेल करता हूँ। एक है सेलुलर जेल वाला ये कॉइन, ये देख लीजिए आप, मुंबई मिंट से है ये और जेम यूएनसी कंडीशन के ये सारे कॉइन है, सेलुलर जेल वाले हों या जो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये मुंबई मिंट के लगभग मेरे पास 20 कॉइन आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन। तो जिस किसी को भी लेना है ये कॉइन्स की बुकिंग आप करवा सकते हैं। एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 75 रुपीज़ में। ठीक है, ये एक कॉइन आपको मिलेगा 75 रुपीज़ में। वैसे ही 1 रुपीज़ में FSS के बने हुए सेंट ज्ञानेश्वर जी के ये कॉइन है, सेंट ज्ञानेश्वर जी 1992 में ये कॉइन बने थे और कहीं ना कहीं ये स्कार श्रेणी में भी है इस कंडीशन में। तो मुंबई मिंट से ये भी कॉइन है, जेम यूएनसी कंडीशन के आप देख सकते हैं सारे के सारे कॉइन। ये भी 20 कॉइन आए हुए मेरे पास, ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 125 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, सेलुलर जेल वाला 75 और संत ज्ञानेश्वर जी का आपको मिलने जा रहा है 125 रुपीज़ के हिसाब से। और इंडियन पोस्ट के भी देखिए आप, लगभग मेरे पास 20 कॉइन ये भी आए हुए हैं, जेम यूएनसी कंडीशन के ही हैं। ये कोलकाता मिंट से बने हुए कॉइन है और ये समझ लीजिए इस कंडीशन में ये स्कार से वेरी स्कार श्रेणी के बीच के ये कॉइन है, आसानी से मिलते नहीं हैं, आम चलन में आपको तो मिलेंगे ही नहीं इस कंडीशन में। ठीक है, यानी कि बहुत मुश्किल है कि किसी के पास रखा हुआ कोई कॉइन होगा बेस्ट कंडीशन में। तो इस कंडीशन के ये कॉइन अवेलेबल है हमारे पास और 20 कॉइन मेरे पास ये अवेलेबल है कोलकाता मिंट के। एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है ये 250 रुपीज़ के हिसाब से, 250 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन मिलेगा। इसकी प्राइस भी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जिस किसी को बुक कराना है ये भी आप कॉइन बुक करवा सकते हैं। तो ये तीनों ही अच्छे कॉइन है, कंडीशन के हिसाब से तो सारे बेस्ट कॉइन है, जिसको भी लेना है बुक करवा सकते हैं। तीनों पाँच पाँच या तीन तीन या दो दो कॉइन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट बना के आप इसको जैसे एल्बम में अगर लगा रहे हैं तो तीनों के तीन तीन पाँच पाँच या दो दो कॉइन आप लेके लगा सकते हैं।
तो ये एफएसएस के कुछ स्मारक सिक्के मैंने आपको दिखाए, इसमें एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और कुछ आपको पाउचेस भी दिखाने वाला हूँ। क्वांटिटी में, ठीक है, अभी देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जो कॉइन है 1 रुपए के 2004 के ये कॉइन है, और इसमें आपको ज़्यादातर हैदराबाद मिंट के आपको देखने मिलेंगे, यानी स्टार वाले, ठीक है, और कंडीशन काफ़ी अच्छी, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के इसके अंदर ज़्यादातर कॉइन है। ये टोटल 100 कॉइन का पूरा बना हुआ है, ये कोई सील्ड पैक पाउच नहीं है, ये यूज्ड कंडीशन के ही कॉइन है, ठीक है, तो ये सील्ड पैक है पूरा, सॉरी सील्ड पैक नहीं है, लेकिन ये 100 कॉइन का पूरा पाउच आपको मिलने जा रहा है। 1 रुपीज 2004 मिक्स मिंट लिखा हुआ है, मोस्टली हैदराबाद के मिलेंगे, 50% से ज़्यादा समझ लीजिए इसमें हैदराबाद मिंट के ही कॉइन है, और ऑल मिंट जो भी है 2004 की जितनी भी मिंट से ये स्कार श्रेणी में माने जाते हैं। आप अगर बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के ढूंढोगे ना, तो उसमें ये 2004 के आपको कम मिलेंगे, वैसे ही 1992, 93, 94 के भी बहुत कम देखने मिलेंगे। तो ये 2004 के मिक्स मिंट मोस्टली 50% से ज़्यादा इसमें हैदराबाद मिंट के, एक कॉइन 25 रुपए के हिसाब से टोटल आपको 2500 में ये 100 कॉइन का आपको ये समझ लीजिए पाउच मिलने जा रहा है, ठीक है। तो जिस किसी को बुक कराना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इसे इन्हें रखिए, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने मिलेगा। प्राइस मैंने वाजिब ही दी है आपको, 25 रुपीज़, ठीक है, और याद रखिए हैदराबाद के सबसे ज़्यादा कॉइन है, 50% से ज़्यादा मैंने लिखा है, लेकिन हो सकता है 70% इसमें आपको हैदराबाद मिंट के ही कॉइन देखने मिले। तो ये 2004 का मैंने आप लोगों को दिखाया, एक और पाउच दिखा रहा हूँ जो यूज़ कंडीशन का ही है, और ये है 1992 के कॉइन, इसमें भी मोस्टली हैदराबाद मिंट के हैं 50% से ज़्यादा, और ये 100 कॉइन नहीं है, 72 पीसेस है, 72 कॉइन है इसके अंदर, और ये भी एक कॉइन आपको 25 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, और पूरे पाउच की अगर पूरे ये 72 काउंट कॉइन्स की बात करें तो 1800 रुपये में ही आपको मिले जा रहा है। कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के ये कॉइन है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा फाइन भी होंगे इसमें, सारे ही वैसे नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा समझ लीजिए बहुत अच्छे कंडीशन के इसमें कॉइन आपको देखने मिलेंगे। तो ये 1992 के इस सीरीज़ में स्टार्ट हुए थे 1992 से और 2004 पे ख़त्म हुए थे, तो वैसे इसमें भी सारे मिंट के ही स्कार श्रेणी में आते हैं। तो ये पाउच 72 कॉइन का जो भी है ये पाउच आपको 1800 रुपये में मिलने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, आप लेके रखेंगे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट इसका देखने मिलेगा 3 से 5 साल में। ये देखिए 1 रुपीज़ के फ्लोरल डिज़ाइन, इसमें मोस्टली मैं कहूँ 90% हैदराबाद मिंट के ये कॉइन है, ठीक है, फ्लोरल डिज़ाइन हैदराबाद मिंट से 1 रुपीज़ के, कुछ कुछ हो सकता है इसमें कलकत्ता मिंट के भी आपको देखने मिले, या हो सकता है नोएडा या बॉम्बे मिंट के भी कुछ पीसेस आ जाए, लेकिन 90% ये हैदराबाद मिंट के ही है और बहुत अच्छी कंडीशन में। तो ये 100 पीसेस इसके आपको मिल जाएंगे 3000 रुपीज़ में, यानी एक कॉइन आपको 30 रुपीज़ से मिलेगा, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन के इसके कंडीशन है, ठीक है, हैदराबाद मिंट डिमांडिंग होता है इसलिए इसकी प्राइसिंग हैदराबाद मिंट के कॉइन 90% होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा है। वैसे सील्ड पैक पाउच अगर हैदराबाद मिंट का हो तो प्राइस और मैंने ज़्यादा सुनी हुई है, अभी मैंने डील नहीं किया है, लेकिन सुन के रखा है, जब भी मेरे पास कभी आएगा पाउच सील्ड पैक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काफ़ी मैंने ट्राई किया अभी तक मिला नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप के पाउचेस भी है जो आप लेके रख सकते हैं। ऐसे ही जो मैंने थम लाइन दिखाया था, ये देखिए 2007 का विदाउट थम लाइन, लेकिन ये सारे के सारे हैदराबाद मिंट के हैं 2007 के, हो सकता है एक आध दो पीस इसमें मिल जाए, मैंने चेक नहीं किया है, लाइन वैरायटी भी हो सकता है इसमें मिल जाए, ये एज इट इज़ मैंने रखा है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया, जैसा था वैसे के वैसे ही रखा है, ना इसको मैं अभी खोलने का इरादा भी नहीं है मेरा। तो ये विदाउट लाइन वाला प्लेन है, यानी कि इसमें कोई डाई वैरायटी नहीं है। तो ये 90 कॉइन का पूरा ये पाउच है जो आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में, ठीक है, 90 कॉइन है, 1500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा।
तो लगभग समझ लीजिए 17-18 रुपए के हिसाब से ये कॉइन हैदराबाद मेंट का आपको मिलने जा रहा है 2007 का। तो सेलिंग पर्पस के लिए ये आए हुए हैं, अगर जिस किसी को बुक कराना है आप बुक करवा सकते हैं। तो ये हुए कुछ पाउचेस भी। अच्छा, एक पाउच हमारा AKM का 2021 का भी आया हुआ है, तो ये सील्ड पैक नहीं है, जिन्होंने भेजा इस टाइप से स्टेपल करके भेजा है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि वीडियो में ही हम इसको खोल लें और देखते हैं कंडीशन क्या है, कैसी है, समझ में आ जाएगा। इसकी डिमांड भी बढ़ गई है अब। इसका पाउच हमें ही ऑफर 30,000 के ऊपर हो रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं ये कॉइन थोड़े से कम रेट में। अब ये कहीं ना कहीं इसकी डिमांड जो है ना 400 तक टच करने जा रही है एक कॉइन की, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास आए हुए हैं सारे है तो UNC दिख गए मुझे, भले इन्होंने खोला होगा लेकिन ये है UNC। तो ये एक कॉइन अगर आप बुक करवाना चाहते हैं 2021 का हैदराबाद मिंट का वेरी स्कार श्रेणी वाला कॉइन, जिसकी 6 लाख ही मिंटेज है, और ये आम चलन में भी मिलते रहते हैं लेकिन UNC कॉइन काफ़ी कम अभी आ रहे हैं, सेलिंग पर्पस के लिए भी बहुत कम अभी आ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है इनकी, और 10 रुपीज़ वाले की भी बढ़ गई है हाल ही में। तो ये एक कॉइन अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो 325 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये एक कॉइन मिलने जा रहा है, और अगर आप 20-30 कॉइन लेंगे तो थोड़ा आपको और मैं कम करवा के दे सकता हूँ, थोड़ा सा नेगोशिएट, ज़्यादा नहीं होगा। UNC कॉइन ही है, आपने देख लिए ये भी, तो इसको मैं फ़िलहाल रख देता हूँ। और अब एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो समझ लीजिए इसमें से एक कॉइन जो मैं पहले आपको दिखाऊंगा उसको आप देख लीजिए जो ऑलरेडी बुक है, फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो है ये वाला कॉइन। ये दिखने में आपको बॉम्बे मिंट का दिख रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 1 रुपीज़ का कॉइन, स्मारक सिक्का, लेकिन ये है म्यूल कॉइन, ठीक है, ये एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन है। ये आसानी से आपको सेलिंग के लिए कहीं पे मिलेंगे नहीं, अगर किसी के पास है भी तो वो सेल नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो ये सेलिंग पर्पस के लिए एक कॉइन मेरे पास अभी तक पहली बार आया हुआ है, अभी तक ये कॉइन आया नहीं था मेरे पास, ये फर्स्ट टाइम आया है और जस्ट बुक भी हो चुका है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे वीडियो डालने से पहले कैसे बुक हो गया, तो कभी कभी कुछ कॉइन जब आते हैं तो किसी से डिस्कस हो जाता है कि कॉइन आ रहा है तो उनकी बुकिंग आ जाती है, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ कि वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो प्राइस दिखाऊंगा वो प्राइस में अगर आप डन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप में से किसी को लेना है इंक्वायरी करके रख सकते हैं, अगर उनको ये प्राइस सूट करेगी तो ठीक है, नहीं तो आप भी इसकी बुकिंग के लिए इंक्वायरी करके रख सकते हैं। तो चलिए इसकी प्राइस वगैरह देख लेते हैं। एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, बहुत अच्छी कंडीशन में, और ये 18,000 रुपये में आपको मिलने जा रहा है, 18,000 रुपीज़ में। आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ वगैरह भी इसका चेक कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएगी, घिसा हुआ नहीं है अशोक स्तंभ भी, ठीक है। तो ये बेस्ट कंडीशन में मैंने अभी तक, मतलब जल्दी इस टाइप की भी कंडीशन में ये कॉइन देखने नहीं मिलता। UNC तो छोड़ दीजिए, शायद ही मिले देखने के लिए, इस कंडीशन में भी ये कॉइन देखने नहीं मिलता है। तो 18,000 रुपये में हम इसे ऑफर कर रहे हैं, जिनकी बुकिंग है शायद वो ले ही लेंगे क्योंकि वो एक्सट्रीमली कॉइन लेते ही हैं। फिर भी मैंने सोचा कि एक नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को दिखा दूं कि भाई इस टाइप के भी म्यूल कॉइन है मार्केट में जो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में सेल होते हैं। अब आपको एक और रेयर कॉइन दिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं बुकिंग के लिए, इसकी बुकिंग हुई नहीं है, काफ़ी लोगों ने बोल के रखा है लेकिन मैं वीडियो में डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, जिस किसी को बुक कराना है बुक करा सकते हैं। आप देख के समझ गए होंगे कि फर्स्ट वॉर वाला सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी है जिसमें आपको नज़र आ रही होगी, सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन फर्स्ट वॉर वाला आ गया है हमारे पास, जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी में जा चुका है ये भी कॉइन, ठीक है, UNC कंडीशन में काफ़ी हाई डिमांड में है। जो भी सर्कुलेशन स्ट्राइक के 4-5 कॉइन है ना वो काफ़ी हाई डिमांड में हो चुके हैं, उसमें से ये भी एक कॉइन है जो UNC कंडीशन में काफ़ी हाई डिमांड में, वैसे इस कंडीशन में भी लोग इसको लेते ही है। तो फर्स्ट टाइम ये भी कॉइन मेरे पास आया है और देख सकते हैं आप जो भी कंडीशन है इसकी, और ये कॉइन वो आप इसको बोल सकते हैं ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन, यानी कि ये FSS में बनने की बजाय कॉपर निकल की डाई पे ये बन गया है,
और सर्कुलेशन स्ट्राइक का ये कॉइन है, यानी कि इसमें कॉपर निकल के आपको यूएनसी सेट के कॉइन भी देखने मिलते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं, उनकी भी प्राइस है, लेकिन इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जो सर्कुलेशन स्ट्राइक के। तो ये फर्स्ट टाइम आया है मेरे पास सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन। जो भी कंडीशन आप देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का अच्छा कॉइन है ये। सिक्योरिटी एज है, देख सकते हैं आप। तो ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 18,000 रुपये में, ये भी एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 18,000 रुपये में, 18,000 रुपीज़ में। इसको मैंने होल्डर में इसलिए नहीं लगाया कि मुझे एज वगैरह भी इसकी दिखानी थी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी एज है, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ कॉइन थे जो रेयर से एक्सट्रीमली रेयर कॉइन मैंने आप लोगों को दिखाए आज। हालांकि एक वीडियो और मुझे इसके साथ मर्ज करनी थी, लेकिन वो अभी सेपरेट ही डालूंगा क्योंकि यही वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जिस किसी को बुक कराना है मैसेजेस कर देना, मैं कल शाम तक आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। फिर जिस इसका बुकिंग रहेगा वो लोग पेमेंट करेंगे तो उनका मैं पार्सल 2 से 3 दिन में रेडी करके भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय। तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। अभी तारीख है 6 सितंबर 2023, लेकिन ये वीडियो कल अपलोड होगा, यानी कि 7 सितंबर 2023।